जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, 27 दिन बाकी रह गए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए और अब सवालों का सिलसिला चालू हो गया है। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें और कितना पढ़ें, तो आज की वीडियो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से यह रहेगा कि करंट अफेयर्स आखिर होता क्या है। करंट अफेयर्स यानी कि वो चीज जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में रही है, वो चीज जो लेटेस्ट न्यूज में रही है। और क्योंकि आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस का एग्जामिनेशन नवंबर 2021 में खत्म हुआ है और अब 10 अप्रैल को है, यानी कि नवंबर के बाद और अप्रैल से पहले ये जो ड्यूरेशन है, इस दौरान जो लेटेस्ट हैपनिंग हुई है वो है करंट अफेयर्स। अब सवाल ये उठता है कि करंट अफेयर्स का इतना महत्व क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो दूसरा पेपर है जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें 150 सवाल हैं जिसमें से 50 सवाल जीके के हैं और इस 50 सवाल के जो जीके का पोर्शन है उसमें लगभग 15 से 18 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। लोअर लिमिट भी लेके चलें तो 15 सवाल, यानी कि 15x4 60 मार्क्स का पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी में आ रहा है करंट अफेयर्स। वहीं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो जीके पेपर है 120 क्वेश्चंस का है, इसमें फ्लैट 15 से 17 सवाल तो करंट अफेयर्स के डायरेक्ट हैं, लेकिन 14-15 ऐसे भी सवाल हैं जिसको हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के साथ क्लब कर रखा है, यानी कि अगर सीडीएस में भी 30 सवाल करंट अफेयर्स के हैं, 30% ऑफ द जीके सिलेबस इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत महत्व, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बात करते हैं कि इस करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की कैसे की जाए और किस पोर्शन पे फोकस किया जाए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, नंबर वन, आप जा रहे हो फौज में, इसलिए फौज का नो हाउ पता करना बहुत जरूरी है। क्या लेटेस्ट फौज में चल रहा है, क्या लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या लेटेस्ट वेपन्स आर्मी, एफओ से नेवी में आए हैं, कौन चीफ्स, कौन वाइस चीफ्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो इस सेक्शन को बोलते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी का। हर बार देखा यह गया है नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जामिनेशन में 1, 2 या 3 सवाल डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आते हैं, और क्योंकि आपका पैशन फौज है इसलिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पोर्शन आपको याद होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है, अलग अलग एयरफोर्स आर्मी के सेटअप्स कहाँ हैं, नेवी का डाइविंग स्कूल कहाँ है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बट ओवरऑल अवेयरनेस फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी हैज टू बी देयर। सेकेंड सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स का, लेटेस्ट कौन कौन से स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, उसमें कौन विनर्स रहे हैं, कौन से लेटेस्ट टूर्नामेंट्स होल्ड हुए हैं, उनके क्या आउटकम रहे हैं, टेनिस के केस में कौन सा टूर्नामेंट होता है, फीफा के केस में कौन सा टूर्नामेंट होता है, ओलंपिक्स में क्या आउटकम रहा है, विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में हुआ था वो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में था तो वो क्यों ट्रेंडिंग में था, ये जानना जरूरी है। तो ये दूसरा टॉपिक था स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तीसरा टॉपिक है पॉलिसीज। पॉलिसीज होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारे देश में क्या लेटेस्ट पॉलिसी आई, उदाहरण के तौर पे क्रिप्टो करेंसी पे बहुत चर्चा चली, क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या लॉ पास हुआ क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी को कैसे लीगलाइज किया, ये सब जानना है आपको, इसलिए लेटेस्ट पॉलिसीज गवर्नमेंट की ये बहुत जरूरी है, ये है तीसरा सेक्शन। चौथा सेक्शन है एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज। आज के टाइम पे देश बहुत जागरूक हो रहा है, हर देश की कोशिश है सस्टेनेबल एनवायरमेंट बनाने के लिए, सस्टेनेबल एनवायरमेंट बनाने के लिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्चिंग के लिए हमारे गडकरी साहब लगे हुए हैं। तो ओवरऑल लेटेस्ट एनवायरमेंट रिलेटेड चेंजेस, एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जानना बहुत जरूरी है।
पांचवा है, हमारे देश में क्या नए सेटअप्स आए हैं या क्या नए इनॉग्रेशंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिस्ट्री से अगर क्लब करना हो तो सवाल यह हो सकता है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसको डिपिक्ट करता है? और इसको ज्योग्राफी से क्लब करना हो तो यह हो सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कौन से जगह पे स्थित है। यानी कि आप देख रहे हैं, एक ही सवाल को दो तरीके से पूछा जा सकता है। इसको फिर हम लोग जब हिस्ट्री के लिए पूछा जाएगा तो हम इसको हिस्ट्री का सवाल मानेंगे, जब ज्योग्राफी के लिए पूछा जाएगा तो हम इसे ज्योग्राफी का सवाल मानेंगे, बट बेस करंट अफेयर्स या डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसलिए प्लीज ये पोर्शंस जरूरी हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, हर उस एस्पिरेंट के लिए जरूरी है जो एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन 10 अप्रैल को देना जा रहा है। इंटरनेशनल डील्स, हमारा देश इज ऑन द पाथ ऑफ डेवलपिंग। 4 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हाथ जोड़ रही है अपनी कंट्री। ऐसी इंटरनेशनल डील्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवार्ड्स, लेटेस्ट अवार्ड्स किसको मिले, किस फील्ड में मिले, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब आपको एक आइडिया तो लग गया कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सोर्स क्या है करंट अफेयर्स का, कहां से पढ़ें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप ऑनलाइन पे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स डालोगे ना तो बतेरी वीडियोस मिल जाएंगी, 200, 300, 400 वीडियोस, सब पे 5 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन व्यूज होंगे। बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी वीडियोस से दूर रहें इस वक्त, क्योंकि एग्जामिनेशन 25 से 27 दिन बाद है, 10 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, 8 अप्रैल से आप पढ़ाई अपना बंद कर दोगे। तो ओवरऑल ठोस पढ़ाई करो, गो इन फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशंस ऑफ करंट अफेयर्स। ऑफलाइन प्रिपरेशन सबसे अच्छी मैगजीन, बहुत सदियों से चली आ रही है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सीएसआर, अरियंत की मैगजीन्स, इन लोगों ने अलग अलग सेक्शंस बांट रखे हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को अलग, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स को अलग, ऑथर्स को अलग, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को अलग, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अलग। तो एक बार 4 महीने 5 महीने की पढ़ लोगे तो आइडिया मिल जाएगा। वैसे ही 6 मंथली मैगजीन्स आती हैं, अरियंत की आती है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस अकेडमी में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप ये पढ़ो। हम भी अपने बच्चों को ई ज्ञाप्ति देते हैं, हमारी एक मैगजीन है ज्ञाप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है, बट ये ई कॉपी है, हम हार्ड कॉपी नहीं प्रिंट कराते। ज्ञाप्ति, लेटेस्ट ज्ञाप्ति एडिशन अगर आपको चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट ज्ञाप्ति एडिशन में करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक पूरी एडिशन है, तो अगर आपको चाहिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, इस फॉर्म पे आप अपना नाम और नंबर दे देना और किस कोर्स के लिए करंट अफेयर्स चाहिए, ऑटोमेटिकली हम आपको दे देंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, 6 महीने की ये पुरानी जो 6 मंथली हाफ ईयरली की मैगजीन आती है, ये भी आपके लिए अच्छी प्रूव होगी। टाइम टू टाइम त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के चैनल पे हर सैटरडे को हम करंट अफेयर्स का एडिशन डालते हैं, आप उससे भी ब्रशअप कर सकते हो। बट मेरा बींग अ यूट्यूब एजुकेटर, एक आइडिया, सही राय, सही मार्गदर्शन ये रहेगा कि करंट अफेयर्स को ऑफलाइन पढ़ो। और अब नोट्स नहीं बना सकते, हाईलाइटर लेके बैठो, हाईलाइट करते चलो। बहुत जल्द त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के टीचर्स आपके लिए लाएंगे एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उन पोर्शंस की जहां से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। साथ ही अगर आपको ई कॉपी ऑफ लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एनडीए और सीडीएस में आ सकते हैं, एनडीए सीडीएस 1 2022 में, उसके लिए गूगल फॉर्म पे जाएं नीचे, उस पर अपना डिस्क्रिप्शन भरें, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दें कि सर ये ना मेरा नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपका नंबर ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको एडिशन भेज दूंगा। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, एम इज दैट यू गेट सिलेक्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट, सारी शैतानियां बंद, पढ़ाई चालू, मेहनत चालू, क्योंकि 3-4 दिन होली के भी बीच में खराब होंगे। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि लास्ट 27 डेज हैं, शिद्दत से मेहनत करें। थैंक यू, जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।